हेलो, वेलकम टू ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया। मैं हूं मानिका। वैलेंटाइंस का मौसम चल रहा है और ऐसे में हर तरफ नज़र आता है लाल रंग। लाल रंग की ड्रेसेस, लाल रंग के टॉयज, लाल रंग के गिफ्ट्स, लाल रंग की ईटेबल्स और साथ ही रेड हार्ट। लेकिन क्या प्यार जगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय बाइंग गिफ्ट? नो, आप अपने अपनों का दिल जीत सकते हैं कुछ बढ़िया सा खुद बनाकर। बना के तो देखिए, उसमें ढेर सारा प्यार डालेंगे तो देखिएगा उनके चेहरे पे जो लाल रंग आएगा वो कितना बढ़िया होगा। वेल, ऐसी ही कुछ लव डिशेस बनाना सिखाने के लिए हम मिलेंगे हमारे एक शेफ से। कौन है और क्या बन रहा है ये जानेंगे उन्हीं से मिलकर। सभी मौसम में आजकल एक और मौसम ऐड हो चुका है, दैट्स वैलेंटाइंस का मौसम। लव इज इन द एयर और इसीलिए लव से रिलेटेड कुछ रेसिपी सिखाने के लिए हमारे साथ ऐसे शेफ मौजूद हैं जो शेफ कम लेकिन सेलिब्रिटी ज्यादा हैं। सो मीट शेफ विकास खन्ना। मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज हिम रियली वेल, स्पेशली दोज हु लव फूड एंड दोज हु डोंट ईट। सो हाय शेफ, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो, गुड टू बी विद यू शेफ। काफी चीजें आपके बारे में सुनी है कि आपने ओबामा के लिए भी खाना बनाया है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट अभी इस समय हम बात करेंगे लव फूड की। वैलेंटाइन आ रहा है तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि हर मौसम से रंगीन मौसम होली से भी बढ़ के मौसम हो गया वैलेंटाइन्स का। होली फॉलोज वैलेंटाइन्स नाउ, बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि मेरे लिए वैलेंटाइन्स का मतलब है ऑफ कोर्स कन्फेशन ऑफ लव, रिन्यूअल ऑफ लव एंड टू इंस्पायर लव बाय डूइंग समथिंग व्हिच इज सरप्राइज। मैं यही कहना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करता हूँ मैं लोगों से कि वैलेंटाइन्स में कोई एक ऐसी चीज़ कीजिए जो आपके पार्टनर को, आपके लवर को सरप्राइज कर दे। And cooking becomes one of the neutral forms of impressing. Absolutely, and it's like कि बाजार से जाके कोई गिफ्ट लाके दे दिया, उसमें शायद इतना प्यार नजर नहीं आएगा जो आप खुद कुछ बना के खिलाएंगे। वो तो क्रेडिट कार्ड का काम है ना, ये दिल का काम है। जी बिल्कुल। तो दिल से रिलेटेड आज हम कुछ रेसिपीज बनाना सीखेंगे शेफ विकास खन्ना से। तो क्या बन रहा है आज? आज ही बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बटन स्कॉश सूप। बटन स्कॉश ये होती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है जो उगती है सिर्फ फॉल में और सर्दियों में। सो आई थॉट कि उसको एक नया अवतार दिया जाए इस डिश में, विद यूजिंग लॉट ऑफ इंडियन फ्लेवर्स लाइक अदरक एंड सिनेमन एंड दैट्स द इंग्रेडिएंट। बट ये कद्दू या सीताफल इस तरह की फैमिली का है? सीताफल तो नहीं, बट कद्दू की फैमिली का ही है ये और घिया की फैमिली जिसे कहते हैं हम जी। और आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस रेसिपी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप इसको इसके अलावा भी कुछ और भी डाल सकती हैं अगर आप चाहें तो। कद्दू आपके पास रेगुलर जो मिलता है उसको आप कद्दू डाल सकते हैं, आप घिया यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बनाना शुरू करने से पहले नोट कर लेते हैं सूप के इंग्रेडिएंट्स। बटरनट स्क्वॉश सूप बनाने के लिए हमें चाहिए एक बटरनट या कद्दू, 3 बड़ी चम्मच मक्खन, 2 चॉप्ड छोटे प्याज, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी चम्मच कसा अदरक, 6 कप वेजिटेबल स्टॉक, 3 से 4 ओरिगैनो स्प्रिग्स, काली मिर्च स्वाद के अनुसार और नमक स्वाद के अनुसार। चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पे मक्खन से। तो जी हाँ जी, मक्खन मार के, मक्खन मार के। अच्छा, एक और चीज है कि हम बहुत ज्यादा अक्सर सुनते हैं दिल से बनाओ, पर एक मक्खन डालना जरूरी है। मक्खन डालना जरूरी है। हमने 2 बड़े चम्मच डाले हैं मक्खन के, उसमें हम डालेंगे अदरक। आई थिंक अदरक का खुद एक भीनी भीनी खुशबू, मिठास, थोड़ी मिर्च भी होती है अदरक में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें डालेंगे हम अब शैलट्स, प्याज या छोटा प्याज। उसमें डालेंगे थोड़ी सी सिनेमन डाल सकते हैं आप, सिनेमन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर कभी कुकिंग की शुरुआत में नहीं जाता, वो जल जाएगा, वो लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू प्रेफर सिनेमन पाउडर यू कैन एड इट इन द एंड। इसमें हम डालेंगे, हमने 1 इंच का काट के बटरनट स्क्वॉश। देखिए जी, अगर आप कोई भी वेजिटेबल को छोटे में काटते हैं तो आप उसको जल्दी पका सकते हैं कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर बड़े पीस होंगे उतना ही ज्यादा टाइम जाएगा, इससे छोटा भी काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं जी। और इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें एक वेजिटेबल स्टॉक, यू कैन ऑलरेडी स्मेल इट। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार उबलने देंगे जी और फिर हम इसे ढक देंगे। तो ये तो अभी आपका उबल गया है, थोड़ा सा सॉल्ट भी इस टाइप में डालेंगे, टॉइस। ओके, सो वी गोना कवर इट वंस। देखिए मानिका,
ये खुशबू आ रही है, बॉयल हो चुका है और मैं इसे प्यूरे करके लेके आया बहुत सावधानी के साथ क्योंकि बहुत गर्म लिक्विड है। तो जो लोग घर पे देख रहे हैं वो चाहें तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके प्यूरे करें, बिल्कुल कर सकते हैं जी, पर गर्म में जो एक स्मूथनेस आती है वो ठंडे में नहीं आती। तो मोनिका ये प्यूरे हो चुका है हमारे बटरनट स्क्वाश का सूप। ओके, और थोड़ा सा इसको एक बार फिर उबालेंगे एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी या परफेक्ट थिकनेस के लिए, जो आपको चाहिए इसके अनुसार थिकनेस वो यूज कर सकते हैं। उबालने से थिकनेस आ जाएगी, कुछ ऐड तो नहीं करना है हमें? आप देख लें एक बार नमक और काली मिर्च, अगर आपको चाहते हैं आपको कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा तीखा करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। सर्व करते हुए ऊपर डाल दें। बिल्कुल। तो अगर थोड़ी खटास चाहिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे एक और नया फ्लेवर आता है, ऐड होता है एक और लेयर। तो एक बोल आपके लिए है। ओके। और इसके ऊपर हम लगाएंगे फ्रेश पत्ती ओरिगैनो की, अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप छोटी सी धनिया की पत्ती भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो वैसे तो मैं एक बार ही ट्राई कर चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, बट सर्व करके अच्छे से गार्निश करके आई थिंक खाने का मजा ही कुछ और होता है। और एक बहुत बढ़िया मैं एक बात बताऊँ, अगर ये सूप में जब भी बनाता हूँ तो ज़्यादा बनाता हूँ। इट्स नाइस, जो इसकी यू नो एक नेचुरल मिठास है बिल्कुल वो, और उसके साथ लिटिल बिट ऑफ दैट सिनेमन अदरक, इट्स वेरी नाइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो नेचुरल फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया से आ रहा है, उससे मतलब कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मुझे लगता है प्याज और सिनेमन जो बीच में ऐड करती है मिठास एक, और वो इसके साथ बहुत ब्लेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वैलेंटाइंस का मौसम है, सर्दियां भी हैं, इट्स एक्चुअली टाइम टू पेंट द टाउन रेड, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो ये सूप बनाइए और जिसका भी दिल जीतना चाहें उसको ये सूप पिलाइए। एंड कोई स्टेप मिस हो गया हो तो रीकैप नोट कीजिए, उसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीखेंगे एक और ऐसी डिश शेफ खन्ना। बटरनट स्क्वॉश सूप बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करें, इसमें दालचीनी का टुकड़ा, कसा अदरक और साथ ही प्याज डालें, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब इसमें कटा बटरनट स्क्वॉश या कद्दू डालें, साथ ही स्टॉक मिलाएं, इसमें नमक और काली मिर्च डालकर उबालें। पकने पर इसे ब्लेंडर में डाल के प्यूरी करें, पैन में प्यूरी डालकर एक बार और उबालें, ओरिगैनो की स्प्रिग से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक वंस अगेन टू ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया। हालांकि ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया है लेकिन यहाँ के शेफ इंडियन हैं लेकिन इंडिया के नहीं है। तो मैं हिंदुस्तानी हूँ जी, काफी साल से हिंदुस्तानी हूँ, अमेरिका में रहकर भी हिंदुस्तानी हूँ जी। और हम आज बना रहे हैं सम डिशेस टू इंप्रेस योर वैलेंटाइन। यस, तो अब क्या बन रहा है? अभी एक बहुत क्विक एंड इजी सैलेड है, भिंडी का। भिंडी का सैलेड? भिंडी का सैलेड। राजस्थान की डिश मैंने खाई थी जो बहुत कुरकुरी भिंडी से कहते हैं, बट मैं ऐसे बेसन नहीं लगाता, कोई ऊपर से कोटिंग नहीं करता, मैं सीधा भिंडी फ्राई करता हूँ और इसे टॉस करेंगे मसालों में। थोड़ा सा प्याज में लव पोशन है जी, इसमें आम। Okay. और इसकी हम गार्निश देंगे आम पापड़ से। I know it sounds little interesting, but when we started using it in my restaurant, तो बहुत बड़ी हिट डिश है। और हमने एक चीज़ रियलाइज की कि हर चीज़ में एक नयापन होना चाहिए, और उसकी जड़ें फिर भी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। सो जब खाएंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल मैं घर की भिंडी बनाई हुई खा रही हूँ, और एक उसकी एक फ्लेवर में आपको अंदाज आएगा कि बिल्कुल कोई एक एलिवेटेड डिश है। ने काफी बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड्स यूज करे, जिसमें मुझे एक चीज जो सुनाई दी वो था आम पापड़। यस, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद बनाना सीखते हैं इसे। क्रिस्पी भिंडी सैलड बनाने के लिए मैं चाहिए 500 ग्राम भिंडी, 250 मिलीलीटर तेल, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा प्याज स्लाइस किया हुआ, एक नींबू का रस, आम पापड़ के स्लाइसेस और नमक स्वाद के अनुसार। चलिए तो शेफ तैयार हैं भिंडी को तेल में डालने के लिए। ठीक है, पतली पतली हमने भिंडी काटी हुई है जी,
तेल तैयार है आपका, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा गर्म तेल चाहिए इसमें नहीं। तो ये इस डिश की इंस्पिरेशन ये कहाँ से मिली आपको? बहुत सालों से, 12 साल से अमेरिका में वैलेंटाइंस पे हमेशा कुछ ना कुछ खास करता हूँ। ओके। एवरी ईयर द बुक द डिनर्स हैड न्यू थीम, द डिनर्स हैड न्यू इंस्पिरेशंस, कोई ना कोई प्रेरणा मुझे कहाँ ना कहीं से आती रहती थी टू क्रिएट न्यू डिशेज। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि एक ऐसी कोई चीज़ निकाल सका हूँ मैं एक अपनी लाइफ टाइम में जो एक इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर्स को बांधती है इकट्ठे बेस्ड ऑन लव। चलिए जी, भिंडी हो गई है। ये भिंडी कब रेडी है आप इसी खुशबू से बता सकते हैं? कलर से भी इसको टॉस करेंगे थोड़े चाट मसाले के साथ, कच्चे प्याज और आम पापड़ के साथ, और आम पापड़ के साथ जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट है आम पापड़ को लेकर साथ। खुशबू अच्छी है, ठीक है। तो अब हम रेडी जी, तो थोड़ा सा तेल इसको दबाना नहीं वरना टूट जाएंगे क्योंकि काफ़ी क्रिस्प है। ओके ठीक है, सब ये गया बोल के अंदर क्योंकि इसमें ही सैलड को टॉस किया जाएगा। एब्सोल्युटली। मोनिका थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए जी, आधा नींबू, और नींबू हमेशा लास्ट मिनट में डालना चाहिए सर्व करने से पहले, घुमा के बहुत है, बहुत परफेक्ट है। थोड़ा नमक, चिली फ्लेक्स, फ्रेश धनिया पत्ता। नमक मैंने कम डाला क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, राइट। तो साथ में थोड़ा सा अच्छा प्याज। अगर आप टमाटर डालना चाहें इसमें तो आपको टमाटर के गुद्दा निकाल के निकाल के डालना, ठीक है, ताकि इसमें सौगी ना हो जाए। बिल्कुल। तो इसको हम प्लेट करेंगे। मुझे लगता है कि भिंडी एक इतनी बढ़िया वेजिटेबल है, इसके बहुत सारे अवतार आप क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा सैलड और ऊपर आपका फेवरेट आम पापड़। आम पापड़, लेकिन येलो आम पापड़ से एक बढ़िया कलर भी इसमें ऐड हो रहा है। कलर भी ऐड हो रहा है, एक आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा एक बहुत बढ़िया मिठास, एक एक नई डायमेंशन मिलेगी इस डिश का। और फिर थैंक यू। एक्चुअली नाइस, आम पापड़ इज रियली गोइंग वेल विद भिंडी। मैंने सोचा नहीं था कि ये कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया लग सकता है। इट्स नाइस, भिंडी का सैलड बोलिए या भिंडी की चाट बोलिए, लेकिन कुछ भी बोलिए, नाम कुछ भी दीजिए, ट्राई जरूर कीजिएगा इसे और खुद भी खाइए, अपने अपनों को भी खिलाइए। रीकैप में जितने भी स्टेप्स हैं नोट कर लीजिए, देन अनदर ब्रेक और उसके बाद एक और बढ़िया सी डिश, तो कहीं जाइएगा नहीं। क्रिस्पी भिंडी सैलड बनाने के लिए तेल गरम करें और गरम तेल में भिंडी डालकर फ्राई करें। फ्राइड भिंडी को एक पेपर पे निकालें, इस पे नमक, चाट मसाला, नींबू का रस और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स डालें। एक बर्तन में फ्राइड भिंडी लें और साथ ही प्याज डालें, ऊपर से आम पापड़ के टुकड़े डालें और सर्व करें। वेलकम बैक। प्यार का मौसम है और ये मौसम मीठे के बिना अधूरा सा ही लगता है, तो अब शायद कुछ मीठा बन रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। तो क्या बन रहा है? बिल्कुल ठीक कहा मोनिका, इस टाइम पे मीठे की बारी है और मीठे में मैं चॉकलेट बनाना नहीं चाहता था। मैं पूछने वाली थी कि वैलेंटाइन इज वेरी मच लाइक, उसमें सबसे ज्यादा आपको जो नजर आता है वो चॉकलेट है। जब आप लव की बात करते हैं और खाने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो चॉकलेट होता है। मुझे लगता है आई थिंक वैलेंटाइन इज ऑलमोस्ट क्विंटेसेंशियल विद चॉकलेट, साथ बंधे हुए हैं उसके साथ। बट एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी कि एवरीवन गिफ्ट्स चॉकलेट्स। एब्सोल्युटली। सो आई थॉट लेट मी क्रिएट अ न्यू थिंग व्हिच इज इजी टू मेक एंड टेस्ट इवन बेटर देन चॉकलेट। ओके ठीक है, चलिए। अब तो बन क्या रहा है अभी? मैंने कहा ये डिश बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल सी बिल्कुल डिश है, इसमें सिर्फ दो स्टेप्स हैं। पहले हम एक सिरप तैयार करेंगे जिसमें हम डालेंगे रेड वाइन और साथ में हनी, अदरक, बे लीव्स, कार्डमम, थोड़ा सा क्लोव और नींबू का रस। ओके राइट। आप जब इसे उबालेंगे तो उस टाइम पर फिर आप इसमें हम डालेंगे पेयर्स, इनको हमने पील किया हुआ है।
तो जो पेयर्स हैं वो भी इसके रंग में रंग जाएंगे। आप एप्पल्स यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं, एक और नया फ्लेवर देने के लिए पेयर्स को, एक नया रूप देने के लिए, एंड जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ओके, तो डिश का नाम अगर आप बता दें, पोस्ट पेयर्स विद कार्डमम एंड जिंजर। ओके, ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और यहाँ पे शेफ बिल्कुल रेडी है कुकिंग शुरू करने के लिए, तो फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। पोस्ट पियर्स इन रेड वाइन बनाने के लिए मैं चाहिए 2 कप स्वीट रेड वाइन, 2 लौंग, 1 नींबू का रस, 10 ग्राम अदरक, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1/4 कप शहद, 4 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, 4 पियर्स। ओके जी, सबसे पहले जा रही है इसमें रेड वाइन। अब जो लोग अल्कोहल लेते हैं या वाइन यूज करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट दोस जो वाइन नहीं यूज करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मोनिका, मैंने ये रेसिपी बहुत बार बनाई है अनार के जूस के साथ। ओके, और सेब के जूस के साथ, और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें रहता है अनार का जूस। ओके, आप फ्रेश अनार का जो, क्योंकि वाइन है वो एक्चुअली अनार से, सॉरी फ्रूट से बनती है, ग्रेप से बनी है। यू कैन आल्सो यूज फ्रेश ग्रेप जूस। ओके, इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे द गोल्डन सिरप, द गोल्ड ऑफ हेवन, हनी। हनी शहद इसमें जा रहा है, ठीक है, और साथ में आप डाल सकते हैं थोड़ा अदरक। ओके, छोटा पीस अदरक का बारीक काटकर, क्योंकि हम इस सॉस को पहले पोच करेंगे, फिर बाद में हम इसे रिड्यूस करेंगे। ओके, डेकोरेशन के लिए 1 तेज पत्ता और दालचीनी। दालचीनी सेलिब्रेशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें खुशबू है। ओके, और ये है छोटी इलायची। छोटी इलायची मैं जल्दी खोल के डालनी चाहिए हमेशा, या हल्का सा पीस के तभी उनके, बिल्कुल ये जो पुराने नुस्खे हैं हमारे घरों के कमाल चलते हैं जी, बिल्कुल। थोड़ा सा क्लोव्स, क्लोव बहुत ही वार्म नाइस स्पाइस है, और आप थोड़ा सर्दियों के लिए अच्छा भी रहता है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा डाल दें नींबू, 1/2 नींबू का रस, एक बहुत बढ़िया खटास देने के लिए। अभी बिल्कुल जी डाल दें, बिल्कुल, और आप इसका छिलका भी डाल दीजिए, इसके छिलके में भी बहुत ज्यादा फ्लेवर है। तो ये भी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, तो देखिए आप, हमने तैयार कर लिया है एक बहुत ही सिंपल सा सिरप, और इसमें हम डालेंगे अब पेयर्स। okay. इनको हमने काट लिया है और नीचे से थोड़ा सा काट, बिल्कुल सीधी छुरी के साथ काटा है, ताकि ये आराम से खड़े रहे इस सिरप में, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा नीचे से जो तला है उसको स्मूथ कर दिया, सीधा कर दिया, उससे उसको बेस मिल जाती है खड़े होने जी। और इसको पकने में कितनी देर लगेगी? देखिए जी, एक्चुअली फल तो आप कच्चा भी खा सकते हैं, तो पकने में टाइम एक्चुअली इतना नहीं लगता, हम चाहते हैं कि इसमें अच्छी तरह फ्लेवर रस जाए। अब हम इसे ढक देंगे ताकि इसके सारे फ्लेवर्स अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप देखिए कैसे उबल रहा है जी, और ये बात बहुत ध्यान से मैंने की है कि मैंने इसको आधे शुगर इस सिरप में कोट किया, मतलब इसमें पूरे में, पूरे में नहीं। आप देखिए जब ये उबल के बाहर आएंगे तो ऊपर से सफेद और नीचे से लाल, तो काट के भी एक बहुत बढ़िया इनमें अंदाज आएगा, एक बढ़िया थॉट आएगा। अब वो देखिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। ओके, वाओ, दिस स्मेल्स डिलीशियस, डिलीशियस, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिनेमन, क्लोव्स, इलायची, दैट विद वाइन एंड हनी, अमेजिंग, और साथ में नींबू। दिस इज डन, यस, ओके, नाइस वार्म फ्रेश फ्रूट, ऊपर से नहीं कलर आना चाहिए। देखिए यही तो इंटरेस्टिंग चीज है इसके, okay. आपने एक सिंपल सी चीज को लेके एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया उसमें, दो अच्छे अच्छे कलर्स आ गए, बहुत बढ़िया। अगर मैं चाहता तो पूरा कर सकता था इसको लाल में, अगर आप इसे गिरा देंगे, लटा देंगे इनको, तो पूरा लाल हो जाएगा। इंटेंशनली कोई चीज करना एंड टू क्रिएट अ थॉट, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है, ऊपर स्टीम के साथ भी पक गया है, परफेक्टली वार्म एंड नाइस। आप लीजिए, आप बाइट ले इसकी। We add some syrup on it or? हाँ जी, हम क्या करेंगे, एक बार निकालने के बाद what I do is I reduce the syrup. अगर चाहते हैं आप तो ये सॉस जो हमने रिड्यूस किए, ओके, ये पहले से रिड्यूस्ड सॉस है शेफ के पास। हाँ जी, absolutely, okay, mama was ready with my forks and spoons,
आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पूरा तरह से इसे ना पकाएं, इसमें एक क्रंच होनी चाहिए और फलों की मिठास एक्चुअली निकलती है वो गर्म करते हैं। It's amazing. Simple, easy to make, anybody can cook. नहीं तो वैलेंटाइंस पे टाउन पेंट करें रेड या नहीं, लेकिन आप फ्रूट्स को रेड जरूर कर सकते हैं और एक बढ़िया सा लाल रंग के साथ इसे परोस सकते हैं लाइक द वे शेफ हैज डन। नोट कीजिएगा सभी स्टेप्स, देख लीजिएगा कि कोई स्टेप मिस ना हुआ हो। उसके बाद मिलेंगे हमारी न्यूट्रिशन से, लेकिन फिलहाल शेफ विकास खन्ना को कहते हैं थैंक यू क्योंकि उन्होंने शेयर की हमारे साथ ये वंडरफुल रेसिपीज। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू वंडरफुल। पोच्ड पियर्स एंड रेड वाइन बनाने के लिए एक पैन में वाइन लें, इसमें दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता, अदरक, शहद और साथ ही नींबू का रस डालें। इस मिक्सचर को कुछ देर उबालें। अब इसमें छीले हुए पियर्स डालकर 10 मिनट ढक कर पकाएं। पके हुए पियर को सर्विंग प्लेट में निकालें और वाइन को और रिड्यूस होने दें। अब इस रिड्यूस्ड वाइन को पके हुए पियर्स पर डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। इन बढ़िया सी लव रेसिपीज के बाद चलिए अब मिल लेते हैं हमारी न्यूट्रिशन से और उनसे लेते हैं आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हाय अभिसंध्या, लाइफस्टाइल से रिलेटेड काफी तरह के इश्यूज होते हैं, स्पेशली वेट और हेल्थ इश्यूज, तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर और लेते हैं अपना पहला सवाल। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, कहते हैं वर्कआउट 3 days a week बट आई एम स्टिल नॉट लूजिंग वेट, व्हाई? दिट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन दैट यू आर नॉट लूजिंग वेट। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इनटेक ऑफ कैलोरीज मच हायर देन वॉट यू आर बर्निंग आउट, जिसकी वजह से आपका वेट जो है स्टैगनेटेड है। तो आपको चाहिए आप जो है अपना पूरा जो दिन का कैलोरीज खा रहे हैं उसको मॉनिटर करें एंड ऑल्सो जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं यू नीड टू गेट इट एग्जामिन्ड बाय अ फिजिकल ट्रेनर। दूसरा सवाल लिखा है नितिन ने दिल्ली से, कहते हैं कि आई स्टॉप लूजिंग वेट बट आई एम स्टिल वर्किंग आउट एंड ईटिंग राइट। नितिन, इसका जो रीज़न है कि जब आप एक वर्कआउट या फिर कोई भी एक रूटीन काफ़ी लंबे समय तक करते हैं आपकी बॉडी जो है इट गेट्स यूज टू इट एंड यू रीच अ प्लेटो। तो आपको चाहिए कॉन्स्टेंटली एक डाइट को जो है आप चेंज करते रहें अलॉन्ग विद योर फिजिकल एक्टिविटी सो द बॉडी जो है स्टार्ट्स रिएक्टिंग एंड स्टार्ट्स गिविंग यू वेट लॉस। तीसरा और आखिरी सवाल है जूलिया का दिल्ली से, कहते हैं वे माई सेल्फ बिफोर आई गो टू बेड बट मॉर्निंग में मेरा वेट जो 1 किलो कम होता है, ऐसा क्यों होता है प्लीज़ बताइए। जूलिया, जाहिर सी बात है कि जब आप अपने आप को रात को वेक करते हैं आपका वेट बढ़ा रहता है क्योंकि आपने जो वेट लिया होता है इट्स पोस्ट डिनर। तो आपको चाहिए आप अपने आप को वेक करें स्पेशली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर क्लियरिंग योर, सो डोंट स्ट्रेस ओवर वेट, यू नीड टू फोकस मोर ऑन ईटिंग करेक्ट एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। आज की रेसिपीज थी वाकई आसान एंड इंटरेस्टिंग एंड साथ ही साथ फुल ऑफ लव। आप इन रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपके वैलेंटाइंस आपसे कितना इंप्रेस होते हैं। एंड आई एम श्योर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो जो आप हमारी न्यूट्रिशन से पूछना चाहें या फिर कोई रेसिपी या सुझाव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं greatchefs@zenithbook.com पर। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। शेफ लिखे लिखे अपना नाम और अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स या सजेशंस। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात और बनाएंगे ढेर सारी ऐसी बढ़िया सी रेसिपीज। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस आपका फायदा।